हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का आर्क न्यू मेगा मॉडल सीरीज का। आर्क न्यू मेगा मॉडल सीरीज के पिछले एपिसोड में हम लोग ने सबसे अजीब और डरावना वाला ये जो काइजू है ये टेम करने का काम जो है ना गाइस वो पिछले वाले एपिसोड में करा था। और अभी आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग एक और अजीब सी चीज गाइस यहाँ पे देखने के लिए जाने वाले। वो चीज क्या है गाइस वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो गाइस वन लॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए जो है ना गाइस लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम का सर्वर बनाना है और अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है नेटराडो सर्वर की, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग लिटरली किसी भी मोबाइल या पीसी गेम का सर्वर बना सकते हो। तो नीचे दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना नेट्राडो सर्वर्स को। तो चलिए अभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का जो एपिसोड है हमारा आर्क सर्वाइवल इवोल्व का वो बिना किसी देरी के शुरू करते और मचा डालते एकदम फुल टू तबाही ना मेरे भाई। और गाइस मैं ना आज यहाँ पे क्या करने वाला पता है, पिछले एपिसोड में हम लोग ने जब ये काइजू गाइस यहाँ पे रैग्नर और द ब्लैक ब्लडेड काइजू जब टेम करा था तब मैंने ट्रांसमीटर पे थोड़ा सा सर्च करा था कि हमारे मैप पे कौन कौन से और काइजूज है। तो मुझे जो है ना गाइस यहाँ पे रॉक कैटेगरी 5 एंटी काइजू जैगर दिखाई दिया। एंटी काइजू जैगर मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था क्या चीज है, मैं पहले इसकी लोकेशन ले लेता हूँ। तो जिन लोग को भी पता नहीं है एंटी काइजू जैगर क्या है तो मैं बता देता हूँ। तो एंटी काइजू जैगर जो है ना जो पैसिफिक रिम में भाई जैगर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि पैसिफिक रिम मूवी में ना कुछ काइजू जो है ना गाइस वो भाई धरती पे हमला कर देते हैं और उनसे बचने के लिए जैगर्स बनाए जाते हैं जो कुछ बड़े से रोबोट होते हैं, एंड वो रोबोट से वो काइजूज को जो है ना गाइस मार के दुनिया को बचा लेते हैं। और वैसे गाइस एंटी काइजू जैगर मतलब भाई काइजू किलर रोबोट यहाँ पे हमारे मैप पे आइस बायम पे कहीं पे स्पॉन हुआ है, ये वाले ने उस वाले आइस बायम पे स्पॉन हुआ, तो उसी को अभी हम लोग देखने के लिए जाने वाले। अगर वो टेमेबल वर्जन होगा और मेरे एरो से नॉकआउट होने वाला होगा सो मैं उसको नॉकआउट करके टेम कर लूंगा, बाकी अगर वो नॉकआउट होने वाला नहीं होगा तो पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है चलो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग जो है ना गाइस वो जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे जो कि 42 एंड 63। ठीक है देखते हैं वहां पे हमको जो है ना गाइस एंटी काइजू जैगर जो है ना गाइस वो मिलता है कि नहीं। 42-63 रेड वुड में आना था तो भाई रेड ऑब्लिक पे टीपी मार लेता भैंस क्या तुम्हें। 42 एंड 63 अच्छा इधर ही है भाई, ये रहा गाइस भाई। अबे ये क्या चीज, अच्छा ये तो ये वो वाले प्लांट है। ओके इट्स नॉट टेमेबल। अबे भाई तो ईएमपी यूज कर रहा है। अबे भाई इसके पास तो काफी ज्यादा खतरनाक वाली एबिलिटीज है, ये नॉट टेमेबल है। मेरे को बताया फिर क्या करना है गाइज, मुझे पता है क्या करना है। रुको 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 जरा सबर करो। व्हाट द हाँ ये रहा ये रहा, रुको रुको मुझे पता है क्या करना है। अबे भाई कोई तो चीज निकाल दे भाई जिससे मैं इसको मार सकूं। अबे कुछ तो होगा ये क्या है। अरे ग्रिफिन बाढ़ में जा, ग्रिफिन ना मार सकता उसको भाई। अबे रोडोल्फ नहीं मार पाएगा बिकन ओवरलॉर्ड। ठीक है अबे बिकन ओवरलॉर्ड से पेलू क्या, स्पिरिट स्पाइन, स्पिरिट स्पाइन होता है। अच्छा मैं बिकन ओवरलॉर्ड से उसको पेलूंगा। ठीक है मुझे पता है गाइस क्या करना है, ये जो काइजू जैगर है ना अगर ये नॉट टेमेबल है सो इसका मतलब ये कि मुझे जो ना गाइस इसको मार के इसका ब्लूप्रिंट मिलेगा भाई। देखो ना क्या खतरनाक लग रहा है। अबे भाई मेरे ऊपर हमला कर दिया। ले बेटा वन शॉट किल गाइस, वन शॉट किल भाई। मैंने इसको भाई 20 मिलियन का डैमेज देके डिस्ट्रॉय कर दिया है। धुआट ने दो इसका टेमेबल वर्जन जमीन पे गिरा हुआ। अरे यार इसका टेमेबल वर्जन तो जमीन पे गिरना चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ मेरे इन्वेंटरी में इसके क्या, यार मेरे इन्वेंटरी में है क्या। ओ ये रहा तो गाइस ये रहा स्पॉन टेमेबल जैगर का। इसमें जैगर को भी बना सकता हूँ और इसको बनाने के लिए मुझे जैगर कोर चाहिए होंगे। अभी ये जो चीज़ है ना गाइस वो कैसे बनती है ये मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। जैगर कोर कैसे बनेगा। अरे हेलो गाइस ये जो चीज़ है ना, एक चीज़ गाइस यहाँ पे कम पड़ रही है वो है जी ए ई जी ई आर
जैगर, जैगर भाई नहीं यार, जैगर कोर नाम की कोई भी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब है जैगर कोर जो है वो मुझे रैंडमली गए जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मैं ये जैगर कोर्स को क्राफ्ट नहीं कर सकता, सो मुझे अब ये कोर्स मिलने का इंतज़ार करना पड़ेगा और कोई मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर यस गाइस, मुझे इंतज़ार ही करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं। जैगर कोर नहीं है क्या यहाँ पे कुछ? एम्पावरमेंट स्टेशन भाई नहीं ना, एक मिनट रुक जाओ। एम्पावरमेंट स्टेशन आर्टिफैक्ट लेवल 2, इससे क्या होता है? एम्पावरमेंट स्टेशन गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो रुको, अभी आपको बताता हूँ। रुको, पहले मैंने रेडवुड में जो ना गाइस कल एक डायनो छोड़ा था, आपको पता होगा रेडवुड में हम लोग एक डायनो छोड़ के गए थे। काइजू गाइस, हमको ब्लूप्रिंट तो मिल चुका है काइजू जैगर का, बट गाइस काइजू जैगर जो है ना गाइस वो अबे व्हाट द हेल, मौत के नीचे गाइस भाई यहाँ पे खड़ा था और उसने मेरे ऊपर जंप नहीं मारी, सिलेस्टियल डायनो था गाइस मेरे सर के ऊपर और उसने जंप नहीं मारी, बाल बच गया भाई। मैं भाई सिलेस्ट्रियल टाइलो भाई बहुत गंदा मारता है भाई, ठीक है। रुको, अभी मैं रेडवुड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने कल एक डायनो को जो है ना गाइस एक वो कुछ तो खिला के छोड़ दिया था, ठीक है। एंड अभी मुझे उसको टेम करना है, गोलियत कुछ तो ऐसे भाई उसका नाम था ना, यही पे था वो गोलियत। अबे यार उसको पेड़ डाला लग रहा है किसी ने बे। यहाँ पे गोलियत करके गाइस कोई डायनो था जिसको मैंने काइजू इवॉल्व काइजू जी सेल खिलाया था पिछले वाले एपिसोड में, ठीक है। एंड मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि उसके हंगरी होने में काफ़ी टाइम लग जाता, सो मुझे लगा गाइस मैं उसको ऐसे भाई बावड़ों की तरह छोड़ दूंगा। सो आज तक गाइस उसका मतलब हंगर बार डाउन हो जाएगा, फूड बार डाउन हो जाएगा और वो हंगरी हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से वो डायनो गाइस यहाँ पे भी मारा जा चुका है। अबे यार ठीक है, ये काफ़ी वियर्ड चीज़ हुई है, ठीक है चलो कोई ना। मैंने यहाँ पे एक स्कॉर्पियन देखा था गाइस, ठीक है। वेट अ मिनट, आज ना पहले मैं कितना लेवल है, 150 लेवल। मोटल क्या नाम है तेरा भाई? मोटल भाई काइजू जी सेल खाओगे क्या? कैन बी पैसिव टेम्प्ट। मोटल भैया काइजू जी सेल खाएंगे और पैसिव टेम है, ठीक है। मैं घर पे चलता हूँ। मोटल भैया मेरे को नहीं लग रहा है गाइस एक किबल से टेम होने वाला है, ठीक है। मोटल भैया का गाइस ऐसा फुटबॉल डाउन होना पड़ेगा तब जाके गाइस मोटल भैया टेम होंगे, ठीक है। ऐसे टेम होने वाले में से तो मुझे लग नहीं रहा गाइस है, फिर भी चलते गाइस। रुको, हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे वो बना डालते हैं, रुको ब्लड ले लें दो, काजू जी सेल बनाता हूँ और उसको जाके अबे उड़ना बंद कर दो तुम लोग, उड़ना क्यों बंद कर दें? हाँ उड़ते रहो। रुको इवॉल्व काजू जी सेल लेके जा रहा हूँ मैं एंड मोटल भैया को टेम करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं भाई, ठीक है। और मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया गाइस, वो प्लान क्या है गाइस वो आपको मैं बता देता हूँ। मुझे अब भी जस्ट एक चीज़ याद आई है और ये चीज़ अगर गाइस मैं करने में सक्सेसफुल रहा ना तो आप जो डायनोस देख रहे हो, जो डायनोस गाइस आप यहाँ वहाँ घूमते हुए दिख रहे हो ना, अबे लही यार मैंने लास्ट लोकेशन पे टीपी मारना था, मैंने गलत भाई घर पे टीपी मार दिया गलती से। रेड ऑब्लिक पे चलते हैं, वो मोटल भैया को टेम करने की कोशिश करते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। जो स्कॉर्पियन था उसको टेम करने की कोशिश करते, ठीक है। ऊपर ही था यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, आगे साइड है मोटल भैया कहाँ हो हमारे मोटल भैया? ये रहे भाई, ओके ये मोल्टेन भैया है और मोल्टेन भैया को जो ना गाइस काइजू जीसेल बहुत ज़्यादा पसंद है यार। मोल्टेन भैया एग्रो मत हो ना मोल्टेन भैया, आपको खिलाऊंगा मैं प्यारा काइजू जीसेल, खा लो काइजू जीसेल जी, अबे हंग्री हो जाओ जी, ठीक है। हंग्री होगा आराम से हंग्री होगा बेटा जी, अच्छे से हंग्री हो जाना गाइस, ठीक है। मतलब अच्छे से हंग्री होना बेटा, ठीक है यार। मोटल भैया ये वाले अगर टेम ना हुए ना अपन से, अपन थोड़े लो लेवल वाले मोटल भैया को टेम कर लेंगे गाइस, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, पहले टेमिंग भाई कंप्लीट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। मैं भाई एक मोल्टेन भैया को ना टेम करके आता हूँ लो लेवल वाले, जो कि एक काइजू जी से टेम होंगे, फिर उसके बाद आपको मोल्टेन भैया दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या करना है। मोल्टेन ससुर, हाँ ये भी ससुर का नाती 2945, ठीक है चलो 2945 भाई, ठीक है आ जाओ गाइस, ठीक है आ जाओ।
अच्छा, अबे क्या भाई, पास बस भूख प्यास लगी है यार इसको। रुक जाओ, मैं अभी भाई वो एक काजू जिसल पड़ा हुआ है वो भी भाई खत्म करने वाला था, खाने वाला था। ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ, वो रेडवुड वाले को भी टेम करने वाला हूँ, मैं टेंशन को लेना गाइस। ठीक है, उसको भी जाके टेम करूंगा, बट उसको टेम होने में टाइम लग जाएगा, इसलिए गाइस अभी एक को टेम करके मैं आपको उसकी एबिलिटी बिबिलिटी दिखा देता हूँ। 2945 यहाँ पे जाओ मोल्टेन भैया। अरे भाई इसकी अखिया किधर है रे, किधर है भाई। 45 2945। हाँ, ये रे मोल्टेन भैया, अपने मोल्टेन भाई कैसे हो? मोल्टेन भैया ये खा के टेम हो जाओ मोल्टेन भैया। ठीक है चलो, ये टेम हो चुका है। अबे आपको मैं ये स्कॉर्पियन जो ना घर पे जाके दिखा देता हूँ। एंड अभी मुझे एक अजीब सी चीज पता चली है, ये चीज जो है ना गाइस, ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले स्कॉर्पियन देख लो भाई, और जैसे मैंने सोचा अगर ये वैसे ही वर्क करती है तो आप जो गाइस डायनोस देख रहे हो ना, जो हमारे बिलियन में डैमेज देते हैं, वो तो बच्चे हो भाई, बच्चे छोटे बच्चे है भाई, एकदम छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। अभी जो डायनोस स्पॉन होना चालू हो जाएंगे ना, वो देख के आपके पास फट के हाथ में आ जाएंगे भाई। ठीक है, अरे यार मोल्टन भैया आपका सैडल भी है यार, पहले बता देते यार। रुक जाओ गाइस, मोल्टन भैया का सैडल है यार, वो बनाना पड़ेगा भाई। अब मोल्टेन भैया का सैडल बनता किधर है? मोल्टेन ससुर का नाती भाई। ठीक है, ये मॉन्स्टर वाले एक वर्कबेंच बनती है शायद से, उसी के अंदर बनने वाला है क्या ये वाला सैडल? ठीक है, ये स्कॉर्पियन हमने हमारे घर के साइड में एक सब्सक्राइबर का घर है वहाँ पे भी देखा हुआ था गाइस। ठीक है, मॉन्स्टर वाली एज लग रहा है यार, एक इटर्नल डीएलसी है भाई। ठीक है, मोल्टेन ससुर का नाती। अच्छा, इन्वेंटरी में बनेगा क्या? अच्छा, इसे बता देते हैं इन्वेंटरी में बनता है गाइस इसका सैडल। रुको गाइस, रुको जरा शबर करो, मुझे लगा गाइस इसकी कुछ बेंच होगी उसमें बनेगा, लेकिन ये तो इन्वेंटरी में बन गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं सैडल लगा देता हूँ, इसके ऊपर राइड कर देता हूँ। एंड अभी आप लोग देख ही सकते, अबे भाई एक मिनट है, अभी इसका लुक तो अचानक से चेंज हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला। मोल्टेन भैया क्यों, मैंने और भी सैडल देखे थे, ये वाला कौन सा सैडल है? पैरामिडन मोल्टेन भाई, पैरामिडन भी दे दे भाई। ये और वो सैडल में क्या डिफरेंस है गाइस? रुको जरा सुपर गुरु देखना, मोल्टेन भैया का लुक जो ना गाइस वो एकदम कातिलाना हो गया भाई, अभी तो मेरे को नल्ला सा लग रहा था, ये एकदम नल्ला सा है। देखो विदाउट सैडल गाइस इसका लुक देख लेना, ये हमारे मोल्टेन भैया विदाउट सैडल, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्कॉर्पियन। ठीक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्कॉर्पियन। और जैसे गाइस मैं इसको यहाँ पे सैडल पहना देता हूँ, वैसे गाइस इसके ऊपर एक आर्मर लग जाता है लावा वाला, जिससे इसका लुक जुड़ा गाइस और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। सिंपल से ये जो ना गाइस एकदम डेडली बन जाता है। और इसके पास एक और आर्मर है, ये वाला आर्मर क्या करता है? और ये वाला आर्मर इसके लिए नहीं, ठीक है ये किसी और के लिए। ठीक है चलो गाइस, कोई ना। तो गाइस ये रहा हमारा खतरनाक सा डेडली स्कॉर्पियन, जिसका लुक पहले तो नॉर्मल लग रहा था, बट अभी ये काफी ज्यादा ही डरावना और खतरनाक लग रहा है गाइस। स्कॉर्पियन देख रहे हो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है, ये भी उतना ही खतरनाक। अबे क्या कर दिस, ये क्या कर रहा, अबे मुंह से आग छोड़ रहा बाबा, अबे वो इसकी किया डैमेज तो 70-70 का है भाई, घर जाएगा इसमें, घर चला जाएगा भाई। रुक जाओ इसको भाई, हाँ इन लोग को मार पहले बाद का बाद में देख लेंगे। हाँ ठीक है, तो गाइस ये जो है ना गाइस स्कॉर्पियन, इसके पास काफी अलग अलग अटैक्स है। इसके पास जो है ना गाइस यहाँ पे अपने अपने पंजों से जो ना गाइस चीड़ फाड़ करने वाला एक अटैक है, लेफ्ट क्लिक पे। यार ये तो भाई डंक मार रहा है अपना भाई, डस देगा सी पे, से चिल्लाने वाला अटैक है गाइस, एकदम खतरनाक चिल्लाता है। एक्स पे तो ये गाइस यहाँ पे आग छोड़ रहा है, ये वाला अटैक इसने कुछ टाइम पहले छोड़ा करा था, ये आग छोड़ रहा है गाइस अपने अंदर से। कंट्रोल पे क्यू पे कोई अटैक नहीं है, कंट्रोल प्लस सी पे कोई भी अटैक नहीं है, ना कोई अटैक नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी लेवल अप करता हूँ ना तो एक इमोट मारता है, और ये चिल्लाने वाला इमोट मारता है लेवल अप पे भी। ठीक है चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी लेवल अप कर लेता हूँ। इसकी लेवल अप एकदम खतरनाक वाले होने चाहिए, मैक्स लेवल अप कर रहा हूँ गाइस मैं इसकी, मैक्स लेवल अप। ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसको इम्प्रिंटिंग पोशन भी खिला रहा हूँ, ताकि ये और भी ज्यादा खतरनाक वाला गाइस यहाँ पे बन जाए।
अभी ये मत बोलना एफएम के वाले इम्प्रिंटिंग, हाँ है पोषण तो है, पोषण तो है। ठीक है आ जाओ, अभी मैं आपको जो ना कैसे मारे मोल्डन भैया जी जो स्कॉर्पियन है ना गाइस, स्कॉर्पियन किंग बुलाएंगे हम लोग इसको। इसका डैमेज देखते, 110,000 का जिसका बाइट अटैक वाला डैमेज है गाइस, ठीक है, जो कि ठीक ठाक ही डैमेज है। लिप क्लिक वाला अटैक, डसने वाला अटैक कितने का? अच्छा इसका कूल डाउन है। सी वाला अटैक, सी पे खाली बुगट चिल्लाने का काम करता ही है। एक्स पे जो फायर बॉल फेंक रहा है उससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो फायर बॉल तो आर पार चले जा रही है यार एनिमी के। मतलब वो डसने वाला अटैक, डसने वाला अटैक 1,34,000 का है। जो काइजू से ना गाइस, वो काइजू का डैमेज जो है ना वो उतना ज्यादा तगड़ा वाला गाइस है नहीं। काइजू का डैमेज होता है ना काफी ज्यादा कम होता है, बट इनका लुक जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक वाला है। जैसे कि हमारे स्कॉर्पियन का लुक है, आपने देख लिया होगा गाइस कि स्कॉर्पियन कितना ज्यादा खतरनाक वाला है, बट ये उतना एकदम ओपी नहीं है। और गाइस मैंने इसको जो ना गाइस हर एक एपिसोड में हम लोग कोई ना कोई डायनो टेम करते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे टेम कर दिया। अभी आज जो है ना गाइस हम लोग इस वाले एपिसोड में कुछ अलग करने वाले गाइस। इसको पहले मेरे को क्रायो करने दो, बाकी ये है काफी दिखने में खतरनाक है यार स्कॉर्पियन, मुझे काफी पसंद आया गाइस उसका लुक गाइस, काफी खतरनाक वाला लुक था। अभी जो ना गाइस आज हम लोग क्या करने वाले बताए, मैंने अभी जैसे चीज चेकआउट करी, एंड मैंने जब वो चीज चेकआउट करी ना तो मुझे एक चीज याद आ गई। पता है क्या चीज याद आ गई आपको? बताता हूँ रुको, पहले वो चीज बनती कहाँ पे और उसका नाम क्या है मुझे बता देखने दो, लास्ट में होगी, जिसका नाम है एम्पावरमेंट स्टेशन। एंड एम्पावरमेंट स्टेशन जो है शायद यहाँ पे बन जाए, शायद यहाँ पे बन जाए ना, शायद यहाँ पे बन जाए ना, क्या एम्पावरमेंट स्टेशन मेरे इन्वेंटरी में बनेगा? यस गाइस ओके ठीक है, ये एम्पावरमेंट स्टेशन मेरे इन्वेंटरी में बन चुका है। ये क्या काम करता है ना, आप भाई सोच के भी जो है ना कैसे ऐसा दंग रह जाओगे सुन के अगर मैं आपको बताऊंगा तो। एम्पावरमेंट स्टेशन मुझे यहाँ पे लगा दो, एंड ये एम्पावरमेंट स्टेशन जो है ना गाइज एक्टिव बफ, बफ एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमको चाहिए होते हैं आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट्स है एम्पावरमेंट आर्टिफैक्ट लेवल 1, देन आ जाता है एम्पावरमेंट आर्टिफैक्ट लेवल 2 एंड एम्पावरमेंट आर्टिफैक्ट लेवल 3। सो अगर मैं इसको एक्टिव नहीं यार, इसके लिए तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए क्या चाहिए बताओ मुझे? इटर्नल इंडोमेस टोकन चाहिए, गोल्डन कैरेट चाहिए, प्रीमोडगर इसेंस, इसेंस एक मिनट रुक जाओ, ये रहा एक ही सेंस है और ये 65 है। ठीक है ये वाले सेंस बन जाएंगे, और पर्पल वाले ये वाला बना रहा है डायरेक्टली। अबे यार इसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, ये बना लेता हूँ अभी के लिए। और क्या चाहिए? टोकन जो है ना गाइस उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, बाकी और क्या चाहिए? समॉनिंग रेजिमेंट, अबे समॉनिंग रेजिमेंट किसको मारने से मिलते वो भी देखना पड़ेगा मुझे। गोल्डन कैरेट एंड इसेंस, भाई बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है अभी मैं बता देता हूँ ये चीज़ क्या करती है। ये जो गाइस आप स्टेशन देख रहे हो वो दिल, मैं इसके अंदर अगर कोई चीज़ डालता हूँ तो मैं इसको रिटर्न नहीं निकाल सकता, ये स्टेशन की खासियत है। डिमोलिश कर भाई, सर्वर ऑफलाइन चला गया लग रहा है भाई, सर्वर के सस्ते नशे हो गए लग रहा है भाई। हमेशा सर्वर गाइस क्यों चला जाता बे ऐप के, सर्वर गाइस ऐप के चला गया लग रहा है मेरे को गाइस। अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है सर्वर अपना और अपने एल लगने वाला है गाइस। ठीक है मुझे वापस से गाइस इसको रिज्वाइन करना पड़ेगा, हर रोज गाइस ये सर्वर का कुछ ना कुछ नाटक है लग रहा है गाइस। कुछ तो अपडेट भी अपडेट आया होगा उस रीजन से जो ना गाइस सर्वर गाइस यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है। चलो कोई ना, मैं सर्वर में जो ना गाइस अभी कनेक्शन टाइम आउट होने वाले वापस से घुसता हूँ, और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ, और आप इसका यूज जान के जो ना गाइस थोड़ा सा चौंकने वाले हो गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये चीज ना काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा ही खतरनाक है गाइस। ठीक है चलो फिर आपसे मिलते हैं गाइस जब मैं सर्वर में वापस से रिजॉइंड होऊंगा तब, और तब देख ले बाय। रुको गाइस रुको, चला शबल को लो, आता हूं मैं गाइस रिजॉइन मार के सर्वर को, क्योंकि सर्वर हो चुका है हमारा क्रैश गाइस। अबे नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, रुको गाइस हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है तो ये चीज क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ, शायद से ये चीज एक्टिव हो रही होगी। तो ये चीज़ का एम्पावरमेंट स्टेशन का जो है ना गाइस काम क्या होता है पता है? इसके अंदर जो आपने बब्स देखे, ये बब्स अगर मैं बना लेता हूँ और इसको एक्टिव कर देता हूँ ना, तो पूरे मैप पे अगर मैं डायनो एक बार वाइप मार दूंगा, तो डायनो वाइप मारने के बाद जो डायनो स्पॉन होंगे ना, उसमें काफ़ी कम चांसेस है, बट चांसेस है कि हमको एम्पावर्ड वाले डायनोज मिल जाए। अभी आप बोलोगे एम्पावर्ड वाले डायनोज क्या होते हैं भाई?
तो समझ लो हमारा फ्यूरॉक्स है नॉर्मल फ्यूरॉक्स, जिसका डैमेज जा रहा है यहाँ पे लगभग माइनस में, ठीक है, या फिर बिलियन में जा रहा है, पकड़ के चलो एक दो बिलियन डैमेज जा रहा है उसका। एम्पावर्ड वाला सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स दिखने में सेम वैसे ही होता है, बस उसका नाम होता है एम्पावर्ड सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स, जिसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उसका टॉर्पर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जब हम लोग उसको टेम करेंगे ना, तो वो जो है ना कैसे हमको एम्पावर्ड वर्जन में टेम्ड वाला मिल जाता है, एंड उसका डैमेज हमारे नॉर्मल फ्यूरॉक्स से 10, 20, 50 या 100 गुना ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे अगर इसका 1 बिलियन डैमेज है, तो एम्पावर्ड वाला डायनो जो स्पॉन होगा गाइज, उसका डैमेज जाएगा 100 बिलियन। आप समझ ही सकते हो गाइज कितना ज़्यादा जो है ना गाइज अंतर है। और ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि हम लोग बस एक गाइज यहाँ पे स्टेशन लगा के उसके अंदर आर्टिफैक्ट खराब करके उसको एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना गाइज इतू से छोटे से इस छोटू से जो है ना गाइज इसी छोटू से जो है ना गाइज चीज का ये काम है। एंड मेरे हिसाब से जब मैंने इसको लगाया ना, तो भाई वर्ल्ड में जो है ना गाइज वो लैग इसलिए मार दिया, क्योंकि गाइज ये लगने के बाद जो है ना उस एम्पावर्ड वाले डायनोस का जो है ना गाइज थोड़ा सा वो हो चुका होगा, स्पॉन बिन का कुछ तो सीन चल रहा होगा, ठीक है। इसलिए गाइज एक मिनट रुक जाओ, एम्पावर्ड सर्च करके देख लो क्या कोई स्पॉन हुआ है, क्या क्या लगता है, क्योंकि लैग तो हुआ था गेम अपना ना गाइज। रुको, विदाउट इसको एक्टिव करें मुझे नहीं लग रहा गाइस कुछ होगा, विदाउट एक्टिव करें नहीं हो सकता गाइस कुछ, बट फिर भी देखते हैं। रुको, क्या एम्पावर्ड डायनो स्पॉन हो चुके हैं? नहीं, एम्पावर्ड तो भाई एम्पावर्ड तो कोई भी अभी तक स्पॉन नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी हम लोग एक्टिव करने का काम जो है ना गाइस वो करने वाले, हाँ, इसको एक्टिव करने के लिए हमको काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों की जो है ना गाइस जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। एंड मेरे हिसाब से मुझे कुछ बॉसेस को मारना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ कुछ हाई लेवल के बॉसेस को मारने से मुझे गॉड ऑफ श्राइन मिल जाता है, एंड उस गॉड ऑफ श्राइन से मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना गाइस वो ईजिली फ्री में हासिल कर सकता हूँ। सो देखते हैं गाइस कि क्या सीन होता है। अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग अभी आज का जो हमारा ये वाला एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क न्यू मेगा मोरेड सीरीज का, वो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में। बाकी गाइस हमारा स्कॉर्पियन किंग आपको कैसे लगा जरूर से बता देना गाइस नीचे कमेंट करके। और गाइस यहाँ पे जो हमने स्टेशन लगाया है, इसको एक्टिव करने के बाद आपको काफ़ी खतरनाक वाले डायनोज दिखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज वो वाले एपिसोड ना बिल्कुल मिस नहीं करना, और इसको एक्टिव करने का काम हम भाई एक दो एपिसोड में कर लेंगे, टेंशन मत को लेना, ठीक है। चलो फिर अभी आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी स्कॉर्पियन किंग हमारा कैसे लगा आपको जरूर बताना, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में। Late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.